हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास के सिविक्स के पुत्र बुक के अंतर्गत जो अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, उसका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हमारे देश का जो संविधान है, भारतीय संविधान के जो मार्गदर्शन करने वाले जो मूल्य थे या जो बुनियादी मूल्य हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरह से वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। ये जो किताब है, इस किताब में अपन पढ़ेंगे कि हमारे देश के संविधान में जो एकदम एग्जैक्ट जो प्रोविजन बनाए गए हैं जिनके ऊपर अलग अलग विषयों के ऊपर, उनके बारे में अपन इसके अंदर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे अपन, जो विभिन्न विषय के ऊपर जो एग्जैक्ट प्रोविजन्स यानी जो प्रावधान बनाए गए हैं हमारे संविधान में, उनके बारे में अपन इसमें क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, एट दिस स्टेज लेट्स बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ व्हाट अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। क्या कह रहा है कि एट दिस स्टेज, इस स्तर के ऊपर चलिए अपन शुरुआत किससे करते हैं, हमारे देश का जो संविधान है उस संविधान के पीछे उसका जो दर्शन है या जो सोच है उसको समझने से अपन क्या कर सकते हैं, उसको फिलॉसफी को समझ, मतलब उसकी जो फिलॉसफी है उसके पीछे जो सोच है जो दर्शन है उससे अपन क्या करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। वी कैन डू दिस इन टू वेज, और ऐसा अपन यानी इसकी पीछे जो सोच है उसको समझने के लिए अपन दो तरीके अपना सकते हैं, दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरीका तो ये है कि हमारे देश के जो प्रमुख नेता हुए हैं उनके संविधान के ऊपर जो विचार रहे हैं या सोच रही है उनको समझकर अपन इसके बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा, इस तरह से उसको अपन थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन क्या कह रहा है, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलॉसफी, लेकिन साथ ही साथ ये भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है किस चीज़ को पढ़ना, कि जो संविधान है उस संविधान के दर्शन के अंतर्गत या उसकी सोच के पीछे जो भी कुछ है, मतलब कैसे संविधान जो है वो सोच जो है उसके पीछे, संविधान के पीछे उसको भी पढ़ना उतना ही क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोनों चीज़ें हैं, एक तो जो प्रमुख लीडर हुए उनके व्यूज़ को पढ़कर और दूसरा किसको पढ़कर, जो फिलॉसफी है किसके पीछे, कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे। दिस इज़ व्हाट द प्रीएमिएबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज, यही वो चीज़ है जो हमारे देश का क्या प्रस्तावना, जो हमारे देश की जो प्रस्तावना है उसमें इसी चीज़ को क्या किया गया है, दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है, किसको दर्शाया गया है, इस चीज़ को, इन दोनों चीज़ों को, यानी जो हमारे नेता उनके व्यूज़ को भी और इसके पीछे जो सोच है उनको भी। तो चलिए लेट्स टर्न टू दिस वन बाई वन, चलिए इनको एक एक करके क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे द ड्रीम एंड द प्रोमिस, यानी सपने और वादे, क्या मतलब है इसका, सपने और वादे क्या है इसमें। सम ऑफ यू मे हैव नोटिस्ड ए नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेज ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कौन सा है, महात्मा गांधी। यानी जो स्केच है यहाँ पर ये दे रखे हैं संक्षिप्त रूप से, जो विवरण दे रखा है सभी लोगों के बारे में जिन्होंने संविधान बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो आप देखोगे कि इनके अंदर एक स्केच मिस है, यानी एक इस तरह का जो चित्र है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, और वो किनका है, गांधी जी का। ही वॉज नॉट ए मेम्बर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी सही है, जो संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा का निर्माण किया गया था वो उसके भी सदस्य नहीं थे। येट देयर वर मैनी मेम्बर्स हु फॉलोड हिज विजन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बहुत सारे ऐसे उसके मेम्बर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो उनका जो विजन थी, जो उनका सोच थी, जो उनकी समझ थी, उसका क्या करते थे, अनुसरण करते थे, यानी उसको फॉलो करते थे। ईयर्स अगो, कई वर्षों पहले, राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931, वो एक पत्रिका में लिखते थे जिसका नाम था, मैगजीन पत्रिका थी जिसका नाम था यंग इंडिया, तो 1931 में उन्होंने इसमें लिखा, ही हैड स्पेल्ट आउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू, उसमें उन्होंने बताया कि वो भारत के संविधान से क्या चाहते हैं, यानी उनकी क्या अपेक्षा है किससे, भारत के संविधान से। तो चलिए उन्होंने जो कहा उसको अपन पढ़ते हैं। क्या कहा उन्होंने,
गांधी जी ने क्या कहा, अब भारत के संविधान मतलब भारत के लिए किस तरह का संविधान चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने क्या कहा। आई शैल स्ट्राइव फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रेडम एंड पेट्रोनेज। क्या मतलब हुआ इसका, मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूँ, किनका कहना था ये, गांधी जी का, मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे किससे मुक्त करे, गुलामी से, किससे मुक्त करे, गुलामी से और अधीनता से, क्या करे, मुक्त करे, गुलामी और अधीनता से उसको क्या करे, मुक्त करे, मैं ऐसा संविधान चाहता हूँ। आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच द पुअरेस्ट शैल फील दैट इट इज देयर कंट्री इन वूज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस। क्या कह रहा है कि मैं जो है, गांधी जी का कहना है, मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा, मैं ऐसे भारत के लिए काम करूँगा या प्रयास करूँगा जिसमें सबसे गरीब व्यक्ति भी, सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने, यानी मैं एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहूँगा इस संविधान के आधार पर, समझ में आ गया, जो जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है ना इस देश को अपना माने, ठीक है, और साथ ही साथ उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी क्या है, भागीदारी है, यानी उसका भी बहुत ही प्रभावी मतलब कि योगदान रहा है, किस चीज़ को बनाने में, देश को बनाने में। एन इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड लो क्लास ऑफ पीपुल, यानी मैं एक ऐसा भारत चाहूँगा जहाँ पर ना तो कोई हाई क्लास हो, उच्च वर्ग हो, और ना ही कोई लो क्लास यानी निम्न वर्ग हो, मतलब किसी प्रकार का कोई भी इस तरह का वर्ग विभेद ना हो। एन इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटी शैल लिव इन परफेक्ट हारमोनी, एक ऐसा भारत जहाँ पर जितने भी समुदाय हैं, जितनी भी कम्युनिटी हैं, वो सारे आपस में भाईचारे के साथ आपस में मिलजुल कर रहें, है ना, अच्छी तरह से आपस में मिलजुल कर रहें, यानी आपस में झगड़ा ना हो। देयर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी और द कर्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। सही है, क्या कह रहा है, देयर कैन बी नो रूम, मतलब एक ऐसा देश जहाँ पर इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं हो, जैसे छुआछूत, इसके अलावा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जिसको अपन मादक पदार्थ बोलते हैं, पेय पदार्थ, मादक ड्रग्स, इन चीज़ों की जिसमें कोई भी क्या ना हो, जगह ना हो, मतलब ऐसा कोई भी, मतलब ऐसा देश होना चाहिए जहाँ पर छुआछूत ना हो, एक दूसरे के साथ छुआछूत, मैंने अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस यूज़ में ना ली जाए, इसके अलावा शराब और नशीले पदार्थों का लिए जहाँ पर कोई जगह ना हो, यानी कोई भी नशा ना करता हो। वोमेन विल इन्जॉय द सेम राइट्स एज मैन, और महिलाओं को भी वही अधिकार मिले जो कि पुरुषों को दिया जाए, मतलब सभी बराबर हों अधिकार के मामले। आई शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स, इसका मतलब क्या हो गया, क्या हो गया इसका मतलब, मैं अगर इससे कम कुछ होता है, यदि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं, मादक पदार्थ अनटचेबिलिटी ये ख़त्म नहीं होती है, भाईचारे से नहीं रहती हैं, बोला मैं ऐसा देश नहीं चाहूँगा, तो संविधान ऐसा बने जिसमें सारी चीज़ें क्या हों, शामिल हों। तो ये गांधी जी ने कहा था अपने वक्तव्य में। दिस ड्रीम ऑफ इन इंडिया दैट हैज एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी वॉज शेयर्ड बाई डॉक्टर अम्बेडकर, वो प्लेड ए की रोल इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कह रहा है कि ये जो सपना था किसके लिए, भारत का, कि भाई ऐसा देश होना चाहिए जहाँ पर असमानता ना हो, है ना, असमानता जो वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, ऐसा ही ये सपना शेयर किया था किसने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जिन्होंने हमारे देश के संविधान को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बट ही हैड ए डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटीज कुड बी रिमूव्ड, लेकिन असमानताओं को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इस संदर्भ में उनकी जो समझ थी, उनके जो विचार थे, वो गांधी जी से थोड़ा क्या थे, अलग थे, किनके, अम्बेडकर के। ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विजन, प्राय देखने में आता था कि वो गांधी जी के विचारों से इतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होते थे, संतुष्ट नहीं होते थे, तो इसीलिए वो जब भी गांधी जी अपना कोई वक्तव्य या कोई सोच प्रस्तुत करते थे, तो वो उसका क्या करते थे, उसकी बहुत आलोचना करते थे। समझ में आ गया, यही दे रखा है कि वो गांधी जी से इतने ज़्यादा सहमत नहीं होते थे। इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जो उन्होंने संविधान सभा के अंदर निष्कर्ष के अंतर्गत जो उन्होंने भाषण दिया,
स्टेटेड इज एनेक्शिएटिव वेरी क्लियरली, तो उसके अंदर उन्होंने अपनी चिंता को साफ साफ क्या किया था, अभिव्यक्त किया था। किसने? भीमराव अंबेडकर ने। क्या कहा उन्होंने? ऑन द 26th of January 1950 वी आर गोइंग टू एंटर ए लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। उन्होंने कहा 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन समझौता जिसको अपन बोलते हैं। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ? राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानताएँ होंगी, राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानताएँ होंगी। एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, जबकि सामाजिक और आर्थिक जीवन में, ठीक है, जो हमारा जो सामाजिक और आर्थिक जीवन होगा वो किससे भरा होगा? वी विल हैव इनइक्वालिटीज, यानी असमानताओं से भरा, यानी राजनीतिक रूप से तो हम समान होंगे लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में देखा जाए तो हमेशा क्या देखने में मिलेगी? असमानता देखने में मिलेगी। किसने कहा ये? भीमराव अंबेडकर ने। इन पॉलिटिक्स वी विल रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वोट एंड वन वैल्यू। क्या कह रहा है? राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट, है ना, एक व्यक्ति एक वोट, और हर वोट का समान महत्व है, यानी समान वैल्यू। इस सिद्धांत के ऊपर, यानी इस सिद्धांत को मानेंगे राजनीतिक रूप से कि प्रति व्यक्ति जो उसको वोट डालने का अधिकार है, यानी समान रूप से, और प्रत्येक जो वोट है, हर वोट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? समान होगी। इन और सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, दोबारा वही कह रहा है, अगर अपन हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन की बात करें, कौन से जीवन की बात करें? सामाजिक और आर्थिक जीवन की बात करें, तो हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। यानी क्या मतलब हुआ? इन और सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी सेल बाई रीजन ऑफ अवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन एंड वन वैल्यू। यानी सामाजिक और आर्थिक संरचना के आधार पर देखा जाए तो हम लगातार ये जो सिद्धांत है वन मैन वन वोट वाला, इसको लगातार क्या करेंगे? डिनाई करेंगे, यानी हम हमेशा इसका क्या करेंगे? अवहेलना करेंगे, इसको मानेंगे नहीं। ठीक है, अब आगे, हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव लाइफ, क्या मतलब हुआ इसका? हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी जो ये समझौते है विरोधाभास का जो जीवन है, इसको हम कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वलिटी इन और सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, यानी जो हमारा सामाजिक और आर्थिक जीवन है उसमें जो समानता मिलनी चाहिए उस समानता को हम कब तक अनदेखा करते रहेंगे, यानी कब तक उसको डिनाई करते रहेंगे? ठीक है, If we continue to deny it for long, अगर इसी तरह से समानता जो है, हम जो लोगों को समानता मिलनी चाहिए अगर इकोनॉमिक और सोशल लाइफ में, अगर उसको लगातार ऐसे नकारते रहे, we will do so only by putting our political democracy in peril। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही क्या करेंगे? संकट में डालेंगे। तो इसीलिए उनका मानना था कि सबको इक्वलिटी देना क्या है? ज़रूरी है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। किसके बारे में? संविधान जब क्या किया जा रहा था, लागू किया जा रहा था 26 जनवरी 1950 को, तो पॉलिटिकली तो वो बोल रहे थे कि सब अधिकार मिलेंगे, लेकिन सोशली और इकोनॉमिकली जो है हमें थोड़ा क्या करना पड़ेगा, शायद इक्वलिटी ना मिले। तो ये कहा था किसने? भीमराव अंबेडकर ने। तो ये हमने दो थॉट्स पढ़े, एक तो गांधी जी का और एक पढ़ा अंबेडकर का। तो ये थी अपनी आज की क्लास। अगर आपको इसको अच्छी तरह से समझना है तो वीडियो को पूरा देखें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।